पीएसवी करते हैं। क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया है कि हमको दो स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं और हमसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा पॉलीमर तो होमोपॉलीमर है और कौन सा पॉलीमर कोपॉलीमर है। तो अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखो तो ऑप्शन ए पॉलीस्टायरीन है जो कि स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन से हमें प्राप्त होता है। अब क्योंकि पॉलीस्टायरीन जो हमारा पॉलीमर है वो हमें एक ही तरह की मोनोमेरिक यूनिट्स जो कि स्टायरीन है उससे प्राप्त होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि यह एक होमोपॉलीमर है। उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी हमारा ब्यूना एस पॉलीमर है जो कि हमें पता है कि 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बनता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ब्यूना एस के फॉर्मेशन में दो मोनोमेरिक यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसीलिए यह एक कोपॉलीमर है।